नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नया फैन व्हील। पुराना फैन व्हील भी हमारे पास है, उसकी वीडियो आप देख चुके हैं पहले मेरे चैनल पे। तो गाइस, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम्स हमने इस वाले फैन व्हील में खत्म कर दी है। गाइस, काफी स्मार्ट लुक में और काफी यूजफुल आइटम है, क्योंकि होता क्या था, उसमें दो तरफ पंखड़ियां होती थी, लेकिन जब भी कोई थीम करता था, हर इवेंट वाला हमें कहता था कि हम एक ही साइड की पंखड़ी यूज करते हैं, दूसरी साइड की पंखड़ी यूज नहीं करते हैं। वो दो फैन व्हील लगाते थे, एक इस साइड एक इस साइड, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। गाइस, उसमें हमें कनेक्शन करने पड़ते थे पैरों के, और समटाइम ऐसा होता है जब फैन व्हील घूमता था तो वो ब्लोड ले ही नहीं पाता था, तार को छोड़ ही नहीं पाता था, तो ऐसे कई सारे इश्यू उसमें आते थे। तो गाइस, इस मॉडल में हमने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी है। आज की वीडियो में मैं आपको डेमो देने वाला हूँ पैरों चला के, कैसे पैरों लगाने पड़ते हैं, कैसे कनेक्शन करने पड़ते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक छोटी छोटी चीजें भी समझाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, दिखाता हूँ आपको अपना नया प्रोडक्ट। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक रिमोट मिल जाता है जो कि उसमें मिलता था। इसमें एंटीना लगा हुआ है जो कि रिमोट की रेंज के लिए होते हैं। इसमें हमने दो पॉइंट दिए हैं, तो कैसे पैरों कनेक्ट करने हैं वो भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसमें आप देख रहे हैं, पैरों लगाने के लिए आपको केबल टाई नहीं चाहिए, इसमें हमने इनबिल्ट स्क्रू दिए हुए हैं। तो पैरों कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा लगा के। तो दोस्तों, जैसे पैरों है हमें इसमें लगाना है, तो इसकी जो वायर है वो हमें पहले निकालनी पड़ती है। इन वायर को हमें इकट्ठा करना है, और जो यहाँ पे होल दिया हुआ है, आपने इस होल से वायर को बाहर निकालना है। सो गाइस, वायर बाहर निकालते ही आपका पैरों अंदर चले जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, मेरा पैरों अंदर चला गया है, और इसको आपने नट को टाइट कर देना है। ऐसे ही आपने जितने पैरों हैं, छः पैरों हैं, छः के छः पैरों ऐसे लगा देने हैं। तो गाइस, देख रहे हैं आपने, मैं छः के छः पैर लगा दिए हैं। इन तारों को आप अलग अलग कर लेंगे, हर पैरों के दो तारे होती हैं, उनको आप अलग अलग कर लीजिए। गाइस, अलग करने के बाद आपको तीन पैरों एक साथ जोड़ने हैं। जैसे तीन पैरों के आप एक एक तार पकड़े, उन तीनों को एक साथ जोड़े, उसको किसी भी एक पॉइंट पर डाल दीजिए। ऐसे ही आपको ये भी तीन तारें जोड़नी है एक साथ। दोस्तों, अब चार पॉइंट हो गए, आप दो तारे यहाँ पे डालेंगे ये दोनों, और ये दो तारे यहाँ पे डाल देंगे, आपकी थीम रेडी है। गाइस, सबसे पहले इसे कुछ एक प्लस पॉइंट तारों को मैं, सबसे पहले ये चार्जिंग वाला सिस्टम है, इसमें आपको कोई बैटरी लगानी नहीं है, आपको सिर्फ चार्ज करना है। साथ में हम आपको अडोप्टर देंगे जिससे कि ये चार्ज हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बटन्स हैं जिससे आप इसको ऑन कर सकते हैं। बटन ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाएगी। तारें आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है। इसके साथ में इसका एक रिमोट आता है जिसमें दो बटन होते हैं। एक बटन दबाएंगे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, उसी बटन से घूमना बंद हो जाएगा। सपोज आपकी थीम स्टार्ट होने वाली है तो आप इसको स्टार्ट कर देंगे कि घूमना स्टार्ट कर दें। इसमें एक और अपडेटेड मॉडल आ रहा है जिसकी वीडियो जल्दी आएगी, उसमें हमने वॉल्यूम कंट्रोलर भी दिया हुआ है कि आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा फीचर उसमें डिस्प्ले आएगा कि बैटरी कितने परसेंट है, आपको वो भी शो होगी। तो गाइस, एक बटन से आपका स्विंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरे बटन से पायरो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली दो बटन दिए हुए हैं ए और बी। तो फैन व्हील मशीन आप देख रहे हैं, एक तो बजट फ्रेंडली है, सबसे पहले जो इसकी कॉस्टिंग है वो पहले वाले फैन व्हील से कम है, क्योंकि इसमें एक मोटर लगी है, उसमें दो मोटर लगती थी। इसमें एक PWM लगा है, एक वॉल्यूम कंट्रोल लगेगा, उसमें दो लगे होते थे, तो कॉस्टिंग इसकी कम हो गई। लुक वाइज काफ़ी स्मार्ट हो गया है। गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, इसके साथ में आप ये स्टैंड भी ले सकते हैं, जिसको इसको आपको हाइट के ऊपर करना हो तो स्टैंड भी आप अलग से इसका बाइक कर सकते हैं। गाइस, इसे कनेक्शन करके एक बार को स्टार्ट करते हैं, किस टाइप से थीम बनती है वैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली एक बार दोबारा देख लेते हैं।
गाइस आपने देखा कितना अच्छा फ्लावर बन रहा है। सो गाइस ये मशीन है जो कि प्रॉपर काम कर रही है, जिसमें आपको इश्यू नहीं आएंगे। पुरानी मशीन के कंपेयर में ये काफ़ी अपडेटेड मशीन है। कितने की पड़ती है, कैसे बाय कर सकते हैं, अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं और डाउट है आपको कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं है, या फिर आप कैसे मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो बना रखी है मैंने। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ पर जाके आप मेरी फैक्ट्री कहाँ पर है, कैसे आपको बाय कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है, वो सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा गाइस, आपने इसमें कोई भी केबल टाई नहीं मारनी, इसमें हमने होल दिए हुए हैं, सारे पॉइंट दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके आपने सिर्फ स्क्रू कसने हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपने सिर्फ पायरो लगाने हैं और बटन से घुमाना है और दूसरे बटन से पायरो को ब्लास्ट करना है, कुछ और नहीं करना। आपने काफ़ी सिंपल और काफ़ी ईजी फंक्शन बना दिया हमने इसे। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इसका प्राइस कितना है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज भेज दीजिए फैनवील, और नीचे ऑटोमेटिकली आपका एक मैसेज आएगा, उसमें कैटलॉग का ऑप्शन आएगा, उस कैटलॉग में जाके आप इसका प्राइस देख सकते हैं। उसमें वेबसाइट का लिंक भी है जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप साथ ही मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे को फॉलो किया हुआ ऑलरेडी, तो आपको पता होगा हमारे पास 360 सेल्फी बूथ की मैन्युफैक्चरिंग है। कई सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, पायरो मॉडल्स, जलेबी मॉडल्स, नियोन मॉडल्स, वुडन मॉडल, तो अगर आपने वो सारे मॉडल देखने हैं वो भी आपको कैटलॉग में दिख जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके रिलेटेड भी सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।